कनेट कॉलेज का 82वां कॉन्वोकेशन, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की खसूसी शिरकत। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना डेविड समेत उसादजा और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कॉन्वोकेशन में 493 ग्रेजुएट्स, 18 मास्टर्स और एमफिल के 174 तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गईं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल करने वाले निमरा को 1 लाख रुपए की रकम बतौर इनाम देने का ऐलान किया। साथ ही तमाम तालिबात को मुल्क की भाग दौड़ में मुस्बत किरदार अदा करने की तलकीन की। And I was particularly pleased to see Nimra Beti getting 3 awards. I want to say that I want to show my appreciation for her. I am announcing 100,000 rupees from my own pocket. ملکی حالات پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن بھارت نے سفارتی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان کی قیادت میں انڈیا ہمیں تنہا نہیں کر سکتا۔ You know, when Imran Khan became the prime minister, he offered his hand of friendship with India because we want to live in peace, harmony with all our neighbors. We don't believe in wars. We don't want war because we believe that war can only destroy us. डिग्रियां हासिल करने वाली तालिबात ने भरपूर खुशी का इजहार करते हुए आइंदा भी मेहनत के साथ तालीमी सफर जारी रखने का अज़्म जाहिर किया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज।